नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फटाफट जो है वो मैंगो की लस्सी बना सकते हैं घर पे। तो उसके लिए हमको चाहिए मैंगो। तो यहाँ पे जो है हमने फ्रोज़न मैंगो लिया है। हम जो है वो सालाना मैंगोज जो है वो स्टोर कर देते हैं फ्रीज़र में। उसके अलावा हमने लिया है ये दही, और ये जो है छोटा सा कटोरी जितना शुगर ले लिया है, और यहाँ पे जो हमने आइस क्यूब लिया है, और ये जो है वो चोको चिप्स है, तो वो हमने ली है इसको गार्निश करने के लिए। उसके अंदर जो है उसको डिजाइनिंग ऊपर से देने के लिए। तो अब जो है सबसे पहले हम मैंगो डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्रीज़र में से निकाला हुआ है, उसको क्रश करना पड़ेगा। और दही जो है बाद में डालेंगे, नहीं तो जो है वो लस्सी बन जाए, लस्सी की जगह छाछ बन जाएगा। और ये इसमें शुगर भी हम डाल देते हैं, जिससे कि वो अच्छे से क्रश हो जाए। अब जो है ये लस्सी हम डाल देते हैं, सॉरी दही जो है वो डाल देते हैं, और एक दो जो है आइस क्यूब भी डाल रहे हैं। अगर आपको बहुत ठंडा पसंद है तो आप ज़्यादा भी आइस क्यूब डाल सकते हैं, पर हमारे जो मैंगो थी वो ऑलरेडी ठंडी ही थी। अब इसको हम ज़्यादा क्रश नहीं करेंगे, नहीं तो ये छाछ बन जाएगा। देख लेते हैं, तो ये एकदम अच्छी थिक, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थिक जो है लस्सी बन गई है मैंगो की। अब जो है इसको हम सर्व कर लेंगे। पे जो है ग्लास में हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। और इसके ऊपर जो है ये जो है सेव डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, तो उससे भी है अच्छी लगेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लस्सी जो है एकदम बेहतरीन लग रही है। तो आप जो है इसको ऐसे सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, बहुत ही कम समय में बन जाता है अगर आपके पास मैंगो और दही है तो।